भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि परवीन बॉबी जी 70-80 के दशक की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने बड़े पर्दे को दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान और नमक हलाल जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 साल के अपने करियर में परवीन ने 50 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिसमें से कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। पर सिर्फ 50 फिल्में करके ही अभिनेत्री ने इतना पैसा कमाया है कि जितना बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस कभी कमा भी नहीं पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परवीन जी कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों की तरह परवीन बॉबी का भी मुंबई के जुहू में एक बड़ा और आलीशान घर था। इन्होंने अपने घर को काफी खूबसूरत इंटीरियर से सजाया था, पर अफसोस की बात तो यह है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनके घर पर कोई भी नहीं था। उन्होंने अकेले में ही दम तोड़ा है। कई लोगों का कहना है कि उनको गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक था। वो अक्सर अलग अलग गाड़ियों में घूमती नजर आती थी। पब्लिक डोमेन पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार परवीन बॉबी अपने पीछे 35 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गई हैं। मरने से पहले परवीन बॉबी की ऐसी इच्छा थी कि उनकी संपत्ति में से 80% पैसे का इस्तेमाल गरीब औरतों और बच्चों के लिए किया जाना था और 20% उनके चाचा को ट्रस्ट चलाने के लिए दिया जाना था। पर परवीन के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने इस नसीहत को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद करीब 11 साल तक परवीन बॉबी की प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन फिर कोर्ट में परवीन की इच्छा के मुताबिक ही फैसला सुनाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।